हेलो दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। आंखों के काले घेरे क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है, इसके क्या इलाज हैं, मेडिकली भी और घरेलू उपचार के तौर पर भी इसका क्या इलाज है। मैं ये आपको दोनों तरह के उपचार बताऊँगा, ये क्यों होता है ये भी बताऊँगा। दोस्तों, हमारी आँखों के आसपास की त्वचा हमारे पूरे फेस के स्किन्स की तुलना में ये थोड़ी सी जो है पतली होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इलास्टिक या कोलेजन टिश्यू काम कम होता है और इससे ऑयल ग्लैंड्स और पसीने की गंथियाँ यानी कि स्वेट ग्लैंड्स भी बहुत कम होती हैं। इसलिए हमारे आँखों के आसपास की स्किन जो होती है हमारे फेस के स्किन से सूखी रहती है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है और काली पड़ने लगती है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि उनके साथ साथ उनके घर के कई लोगों की भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, डार्क सर्कल्स उनको भी हो जाता है। मतलब घर के एक मेंबर से ज़्यादा के लोगों को डार्क सर्कल्स आँखों के नीचे काले घेरे होने लगते हैं। डार्क सर्कल्स बनने के एक कारण ये भी है कि सन बर्न यानी कि सूरज की धूप से जलना और एलर्जी, ये कारण भी है जिस वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। जब कोई क्रीम, लोशन, कॉस्मेटिक या फिर साबुन या फिर किसी मेकअप से हमारे स्किन को सूट नहीं करता है ना, तब भी हमारे आँखों के आसपास की स्किन जो है वो काली होनी शुरू हो जाती है। जब धूल मिट्टी पॉल्यूशन से खुजली होती है और हम आँखों को रगड़ते हैं जिससे आँखों के आसपास डार्क सर्कल हो जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारी भी है जिनकी वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जैसे कि एनीमिया यानी कि खून की कमी का होना, किडनी फेलियर, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, टीबी की बीमारी एक्सेट्रा। अगर आपको डार्क सर्कल्स हो गया है, आप डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ जनरल मेजरमेंट्स प्रिकॉशंस लेने होंगे। सबसे पहले ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट आपको करवानी होगी, यूरिन की भी सैंपल की जांच करवानी होगी। आप पूछोगे कि डार्क सर्कल हुआ है तो इसमें ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट क्यों कराऊँ यार, तो दोस्तों अगर आप एक सिंपल सा टेस्ट कर लेंगे तो आपको एनीमिया, टीबी, किडनी फेलियर, लीवर प्रॉब्लम जैसी बीमारी है या नहीं इसका पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि कुछ बीमारियों की वजह से भी डार्क सर्कल्स होने शुरू हो जाते हैं। अब आप उसे नॉर्मल डार्क सर्कल समझेंगे और अंदर किसी और वजह से वो डार्क सर्कल होने शुरू हो गए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए शुरुआती दौर में अगर ये सिंपल सा टेस्ट आप कर लेते हैं तो आपको ये पता भी चल जाएगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप डेली आँखों के आसपास नारियल का ऑयल या बादाम का ऑयल या ऑलिव ऑयल लगाएँ ताकि आपके आँख के आसपास की स्किन सूखने ना पाए। तीसरा उपाय, दिन के वक्त जब भी घर से निकले तो आँखों में काला चश्मा लगा के निकले। ऐसा करने से जब आप धूप में निकलोगे तो आपकी आँखों के आसपास जो एरिया है ना वो धूप से जलने से बच जाएगा और डार्क सर्कल धूप की वजह से नहीं हो पाएगा। चौथा उपाय यह है कि आप जो भी क्रीम, लोशन, मेकअप, साबुन यूज़ कर रहे हैं वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का करिएगा। कम से कम खुशबू वाला होना चाहिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, क्रीम, लोशन, साबुन ये सब। अब जानते हैं कि कुछ मेडिकेटेड क्रीम और सीरम जिन्हें आप इस्तेमाल करेंगे 3 से 6 महीने तो आपको डार्क सर्कल की जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। ये क्रीम मार्केट में जो क्रीम आपको मिलता है ना उससे बहुत ज़्यादा असरदार भी होता है और सस्ता भी होता है। तो सबसे पहला है विटामिन सी सीरम। आपको मार्केट में यह सिप्ला कंपनी के VC5 सीरम, VCX सीरम और VC15 सीरम के रूप में मिल जाएगा। दूसरा है डेमेलन क्रीम, ये ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी का बनाया हुआ है। तीसरा है केपलर फार्मा का ग्लैमबैक जेल और चौथा माइक्रो गार्सिया कंपनी का कोजोविट जेल। ये सभी क्रीम्स और जेल आपको किसी भी केमिस्ट के दुकान पर, मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों इनमें से किसी भी एक क्रीम को या जेल को अगर आप यूज़ करना शुरू करते हैं आप यकीन मानिए आपको लाभ मिलेगा। इसे आपको करना क्या है, इसे आपको डेली रात को अच्छे से अपने आँखों के आसपास लगाकर सोना है और सुबह प्लेन वाटर से आपको वॉश कर लेना है, फिर नारियल ऑयल या फिर 5 ड्रॉप नारियल ऑयल और 2 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल मिलाकर आँखों के आसपास आपको लगाना है। ये कम से कम आपको 3 से 6 महीना ज़रूर करना है तभी आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन किया या 2 दिन किया और फिर आपने कहा कि यार मुझे तो रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है।
अब कुछ घरेलू इलाज भी आपको बता देता हूँ। रोज़ रात को आँखों के आसपास फ्रेश एलोवेरा जेल उसमें 2 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल मिलाकर 3 महीने तक लगाएं। दूसरा ये उपाय है कि प्योर हनी जो होता है उसमें 2 ड्रॉप विटामिन ई ऑयल मिलाकर रोज़ रात को अपने आँखों के आसपास लगाएं और फिर सोएं। तीसरा ये है कि रोज़ रात को कच्चे आलू का जूस जो होता है, आलू को काट लिया आपने पतले पतले स्लाइसेस में और फिर उसको आँखों के आसपास लगाएंगे तो उसका जो जूस है वो काफ़ी कारगर होता है। तो वो आपने लगा लिया आधे घंटे तक, उसके बाद लगा के आधे घंटे तक छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर प्लेन वाटर से धो लीजिए और फिर प्योर नारियल ऑयल आप लगा लीजिए। चौथा यह है कि दिन में किसी भी वक्त एक पतला खीरा या ककड़ी के टुकड़े को काटकर या फिर ग्रीन टी बैग होता है वो ठंडे पानी में डुबोकर आंखों के ऊपर रख के आधे घंटे आराम लीजिए लेट के, फिर प्लेन वाटर से फेस को वॉश कर लीजिए और फिर नारियल का ऑयल आंखों के आसपास लगाइए। इन सभी चीज़ों को यूज़ करके अच्छे रिज़ल्ट अगर आप पाना चाहते हो तो कम से कम 3 महीना आपको यूज़ करना ही होगा। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया है इस वक्त डार्क सर्कल्स के बारे में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इस तरह के नए इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में मिलूँगा आपको, तब तक के लिए टाटा।